उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा का मामला बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैल गया है, जिसका सभी पार्टियां अलग अलग ढंग से विरोध कर रही हैं। इसमें राजस्थान कांग्रेस ने भी आज इस हिंसा के विरोध में 3 घंटे के मौन व्रत रखने का ऐलान किया था, लेकिन बयानबाजियों में आगे रहने वाले कांग्रेसी नेता कुछ देर भी खुद पर काबू न रख सके। अब क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में आज लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने 3 घंटे के मौन व्रत का ऐलान किया था, जिसे पूरा करने में कांग्रेस नेता नाकाम रहे। दरअसल पहले तो कांग्रेस का मौन व्रत का कार्यक्रम करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, जिसके बाद 3 घंटे के मौन व्रत में कांग्रेसी नेता 2 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत करते नजर आए। बता दें, राजस्थान में आज प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इसमें जहां एक तरफ तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लखीमपुर हिंसा के खिलाफ मौन व्रत रखने के लिए जुटे थे, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता रीट पेपर लीक में CBI जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की सड़कों पर जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के मौन व्रत वाली जगह के पास जाकर रीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में भी लखीमपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र ने भी बंद का ऐलान किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि विरोध प्रदर्शन का ऐलान करने के बाद उसका इस तरह से मजाक बनाया जाना किस हद तक जायज है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।